इतने दिनों से आप सबको जिस बात का इंतजार था आज वो दिन आया है और ऐसी खबर जो हमारे किसानों के चेहरे पे खुशी ला देगा। जी हाँ, लगभग एक महीने की प्याज में मंदी के बाद आज वापस से बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिला है। नमस्कार, मैं शिवांगी। आज है 20 सितंबर और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। जैसा की कल के तेजी मंदी रिपोर्ट में हमने बताया था की आने वाले हफ्ते में प्याज के भाव में सुधार देखने को मिल सकता है और भाव तेज होने के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा किया था जो एकदम आज सटीक साबित हुआ है और बाजार हमें 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तूफानी तेज देखने को मिल रही है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। आइए अब बात करते हैं लासलगांव प्याज मंडी के ताजा भाव और आव के। ऊपर में आज 1800 बिका है, वही हम सुपर क्वालिटी की बात करें तो 1600 से 1700 तक देखने को मिली। वही पे मीडियम क्वालिटी की बात करें तो 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली। गोल्टा प्याज की बात करें तो 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम गोल्टी प्याज की बात करें तो 1100 से 1400 तक इसका भाव देखने को मिला। छाटन माल 500 से 800 तक नीलाम किया गया। आवकों की बात करें तो हाल फिलहाल सुबह 10 बजे तक 6500 क्विंटल देखने को मिली। आवकों में आज हमें कमी देखने को मिल रही है। अगर ये आवक कायम रही और जिस हिसाब से हमें मांग देखने को मिल रही है, भाव आगे भी बढ़ सकते हैं। अब आगे ये देखना होगा कि ये तेजी कब तक कायम रहती है। हमारे जानकारों के अनुसार बाजार अभी से नवंबर तक ऐसे ही तेजी मंदी के साथ देखने को मिलेगी। इसी दिन तेजी तो किसी दिन मंदी, इसीलिए किसानों के लिए ये सलाह है कि अगर आप अपने प्याज को हर दिन मंडियों में लेकर आए और हर भाव पर अपने प्याज को बेचे ताकि एक अच्छी एवरेज भाव के साथ आपका पूरा प्याज बिक जाए और साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई नुकसान ना सहना पड़े। आगे ऐसे ही नई नई जानकारियां और अन्य कृषि से जुड़े खबरों के लिए YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दे।